डरवाई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पालक पूरी। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मसालेदार और टेस्टी भी है। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी को गर्म कर लिए हैं और इसमें हम ये लगभग 250 ग्राम पालक की पत्तियाँ ले लिए हैं। अब ये गर्म पानी में 2 मिनट तक इसको ब्लांच करेंगे, इसको 2 मिनट तक पका लेंगे पालक की पत्तियों को। सारी पालक की पत्तियों को हम गर्म पानी में डाल देंगे। यहाँ पे आपको नमक नहीं डालना है। पालक की पत्तियाँ आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुकी हैं, ये देखिए 2 मिनट तक अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसे धनिया पत्ते के साथ अच्छे से पीस लेंगे इसको, ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है। आप इसमें पानी का इस्तेमाल ना करें। अब हम यहाँ पे ले लेंगे बर्तन में 2 कप आटा, ये ले लिया, और ले लेंगे 1 कप मैदा। आप यहाँ पे सिर्फ आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, ये डाल लिया। अब यहाँ पे हम 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे हींग, यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक, नमक यहाँ पे आपको स्वाद अनुसार डालना है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, ये 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने जो पालक के पीस लिया था वो डाल देंगे, इसको डाल लीजिए पूरा। अब इसमें डालेंगे 1/2 बड़ा चम्मच घी, यहाँ पे आप तेल भी डाल सकते हैं। अब इसको मिला लेंगे हाथों से अच्छी तरीके से, इसे अच्छे से मिलाइए। देखिए इस तरह से मिलाना है आपको। अब इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घी डाला है तो इसलिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। ठंडे पानी से घी बंधा रहेगा। आटे को आपको अच्छी तरीके से गूंदना है, 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको गूंद ले। ये देखिए आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। मीडियम सॉफ्ट डो गूंद लेना है आपको अच्छी तरीके से। इसके ऊपर ये थोड़ा सा घी हम लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा घी लगा लें, या आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसे 20 मिनट तक छोड़ देना है इस तरह ढक के रेस्ट करने के लिए। ये देखिए डो हमारा रेस्ट करके तैयार है बिल्कुल। आप इसको अभी 1 से 2 मिनट तक फिर से गूंद लें, देख सकते हैं आप डो सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए इसकी अब हम छोटे छोटे इस तरह से निकाल लेंगे, पूरी के लिए गोले निकाल लेंगे। छोटे छोटे आप सारे गोले बना लीजिए। ये देखिए सारे गोले हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको देखिए इस तरह से गोल करना है आपको, पेड़े बना लेने हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से सारे पेड़े तैयार कर लें, ये हमने पेड़े तैयार कर लिए। देखिए अब हम इसको बेल लेंगे। देखिए हल्का सा तेल लगा लें, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा, इस तरह से करके आपको बेल लेना है। ये देखिए हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए इस तरह से सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लीजिए गोल। ये देखिए हमने पूड़ियाँ बेल ली हैं, इस तरह से पूड़ियाँ बेल लें। हमने तेल गर्म कर लिया है,
अब मीडियम हॉट ऑयल में हमें पूड़ियाँ छोड़ देनी है, हल्के हाथों से पूड़ियाँ छोड़ देनी है हमें। देख लीजिए इस तरह से करना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है हमारी पूड़ी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से फूली है। इसी तरह से आप और भी पूड़ियाँ डाल के इस तरह से देखिए, ये देखिए दोनों पूड़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं अच्छी तरीके से। ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्राई होने में। इसी तरह से आप सारी पूड़ियाँ तैयार कर लें। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, इसे किसी भी सब्जी के साथ इंजॉय कर सकते हैं आप। ये देखिए